हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे स्पेशल प्रोग्राम पवित्र रिश्ता में। पवित्र रिश्ता जिसमें दो दिनों से हम आप सबको पवित्र रिश्ता के जरिए अंकिता लोखंडे और सुशांत सिंह राजपूत की उस सीरियल की बातें कर रहे हैं जिस सीरियल की यादों से बंधे हैं अंकिता और सुशांत के कुछ रिश्ते और साथ ही उनकी कुछ यादें। सुशांत भले ही आज हमारे बीच ना हो, लेकिन सुशांत की यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी और उनकी यादों के सहारे हम हमेशा उनकी चल रही इस लड़ाई में हमेशा उनका साथ देंगे। आज हम बात करेंगे पवित्र रिश्ता शो के तीसरे एपिसोड की। तीसरा एपिसोड जिसकी शुरुआत होती है अर्चना और उसकी माँ सुलोचना से, जहाँ पर अर्चना और सुलोचना दोनों मंदिर के बाहर खड़ी होती है और अर्चना जैसे ही अपनी माँ सुलोचना से कहती है कि चलो माँ काम हो गया, उतने में ही माँ सुलोचना अर्चना से कहती है कि अर्चू क्या तुम जानती हो मुझे यहाँ पर आकर काफ़ी अच्छा लगा और मैं जानती हूँ कि अब जो भी हमारे साथ होगा या तुम्हारे साथ वो सब अच्छा होगा। इतने में ही सीन पलटता है। सीन दिखाया जाता है अर्चना के घर का, जहाँ पर अर्चना की बहन वैशाली और वर्षा घर का काम कर रही थी। एक तरफ वर्षा खाना बना रही थी तो वैशाली कपड़े प्रेस कर रही थी। यहाँ पर वर्षा का हाथ जल जाता है, जिसके बाद वैशाली कहती है कि बहन क्या तुम्हें याद नहीं कि आज ताई घर पर नहीं है, क्योंकि आज मंगलवार का दिन है और ताई आज लेट आएगी। इसके बाद दिखाया जाता है सीन पलटते हुए अर्चना के पिता का सीन, जहाँ पर अर्चना के पिता मांगते हैं अपने अखबार पढ़ने के लिए चश्मा, लेकिन उन्हें कोई चश्मा देता ही नहीं। सीन पलट कर जाता है सीधा अर्चना की भाभी मंजू की तरफ, जहाँ पर मंजू निकाल रही होती है ऑफिस जाने के लिए साड़ी, और यहाँ पर मंजू की कोई भी साड़ी प्रेस नहीं होती, जिसके लिए अर्चना की भाभी मंजू कहती है कि लगता है कि अर्चना ने मेरी कोई भी कपड़े प्रेस के लिए नहीं दिए। जिसके बाद अर्चना का भाई विनोद कहता है कि तुम्हें अपना ख्याल और अपने काम का ख्याल रखना चाहिए। कल तक तुम बोल रही थी कि अर्चना घर पर कुछ काम नहीं करती और अब देखो बेचारी अकेली जान अर्चना ही सबका ख्याल रखती है। इतने में ही आ जाती है मंजू की बेटी भी, जो कहती है कि मुझे नुला दो। इसके बाद मंजू भाभी कहती है अपने पति विनोद से कि वो अपनी बेटी को नुला दे। ये सीन कट होके वापस पहुंचता है मंजू भाभी के पास, जहां पर मंजू भाभी ऑफिस पहुंचने से पहले ही अपनी माँ को कर देती है एक फ़ोन कॉल, और फ़ोन कॉल पर कहती है कि किस तरह यहाँ पर अर्चना के जाने के बाद उसके पति विनोद ने उसका कंपैरिजन अंकिता के साथ किया, यानी कि अर्चना के साथ किया, जो कि उसे काफ़ी बुरा लगा। जिसके बाद मंजू भाभी की माँ कहती है कि वो शाम को घर पर आएगी, जहाँ पर वो गुड न्यूज़ भी देगी और साथ ही अर्चना और उसकी माँ की क्लास भी लेगी। सीन पलटता है और फिर पहुंचता है सुलोचना के पास, जहां पर सुलोचना की फाइट हो जाती है और थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है अपनी बेटी वर्षा के साथ। दरअसल वर्षा जिसे सैलरी मिली होती है 9,000, और ऐसे में वो सैलरी सिर्फ 8,000 ही अपनी माँ को देती है। जिसके बाद सुलोचना सवाल करती है कि आखिर 1,000 रुपये का क्या किया, तो इसमें वर्षा कहती है कि उसने 1,000 रुपये की अपने दोस्तों को पार्टी दे दी, जिसके चलते झगड़ा हो जाता है कि 1,000 रुपये बहुत ज़्यादा थे और तुमने काफ़ी ज़्यादा खर्चा कर दिया। इसके बाद सीन पलटता है और अर्चना के पास पहुंचता है, जहां अर्चना अपनी बहन वर्षा को समझाती है और वर्षा बात अर्चना की समझ जाती है, जिसके बाद वो अपनी माँ से माफ़ी मांगती है। अब सीन पलटता है मंजू की भाभी माँ के सामने, जहां पर मंजू भाभी की माँ पहुंच जाती है अर्चना के घर पर, जहां पर पहुंचते ही करने लगती है वो पूरे परिवार की बेइज्जती। कभी एसी की बात तो कभी पैसों की धौंस मारती है, तो कभी फ्रिज की धौंस मारती है, तो कभी अपनी बेटी की शादी का कार्ड देकर अर्चना की शादी को लेकर सवाल खड़ा करती है कि अर्चना की 26 साल की उम्र हो गई है और उसकी अभी तक शादी नहीं हुई, क्या तुम्हें अपनी बेटी की शादी की चिंता नहीं कि ढलती उम्र के साथ किस तरह यहाँ पर सवाल खड़े होने लगते हैं कि आखिर लड़की की शादी क्यों नहीं हो रही। ये सब देखकर सभी को काफ़ी बुरा लगता है और इसके बाद चली जाती है मंजू भाभी की माँ अपने वापस घर। ये सब देखकर मंजू भाभी घबरा जाती है कि ना जाने अब घर वाले मुझे क्या कहेंगे। इसके साथ सीन दोबारा पलटता है और दिखाया जाता है यहाँ पर अर्चना की माँ और दोनों बहनों का सीन, जहाँ पर अर्चना अपनी माँ को समझाती है कि उन बातों को ख्याल में मत लेकर आओ, जो सच है वो सच है, उसे सुनकर इग्नोर करके आगे बढ़ो। जिसके बाद दोनों बहनें भी आ जाती हैं, सभी गले मिलते हैं और इसके साथ सीन दिखाया जाता है ट्रेन की तरफ। ये सीन जहाँ पर अर्चना अपनी दोस्तों के साथ कहीं जा रही होती है घूमने, और ऐसे में यहाँ पर बातें चल रही होती है लव स्टोरी की, यहाँ पर बातें चल रही होती है अपने
होने वाले पति को लेकर, जहाँ पर अर्चना और उसकी फ्रेंडें बातें कर रही होती है, दोस्त बातें कर रही होती है कि अगर किसी का सच्चा प्यार हो तो वो कहीं भी मिल जाएगा, चाहे चलता हुआ रोड हो या फिर कोई ट्रेन, या फिर हो सकता है किसी ट्रेन में हमें कोई हमारा चाहने वाला मिल जाए। और इतने में ही सीन पलटता हुआ दिखाई देता है अर्चना और मानव की तरफ, जहाँ पर अर्चना भी प्यार की इन बातों में खो जाती है और कैमरा घूम कर जाता है मानव के चेहरे पर, जहाँ पर मानव और अर्चना एक साथ खड़े होते हैं। और इसी ट्रेन के दौरान होता है अर्चना और मानव की पहली मुलाकात। ये थी आज तीसरे एपिसोड की वो कहानी जहाँ पर अर्चना और मानव ट्रेन में करेंगे एक दूसरे से पहली मुलाकात। नेक्स्ट एंड लाइव से रजनी की रिपोर्ट। कल फिर मिलेंगे आपके साथ इस शो पवित्र रिश्ता के 4th एपिसोड के साथ।